हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कोई भी रेसिपी का वीडियो नहीं लाई हूँ। आज नागपंचमी के उपलक्ष्य में मैंने बनाया है मिट्टी के शिवलिंग। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। और हाँ, आप ये भी बताइएगा इसे मैंने कैसा बनाया है, देखने में कैसा है। तो मैंने यहाँ पे लिया है पीली मिट्टी, जिसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और गंगा जल की मदद से मैंने मिट्टी को सान करके तैयार कर लिया है। और बस अब आगे देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप कि मैंने इसे पहले इसका बेस बनाया और फिर मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई। और मिट्टी हमें सॉफ्ट रखनी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, तो हम अच्छे से बना नहीं पाएंगे। तो चलिए बाकी मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि इसे मैंने कैसे बनाया है। तो ये देखिए शिवलिंग तो हमने बना के रेडी कर लिया है। मैंने पानी से थोड़ा सा ग्रीस किया था, देखिए कितनी बढ़िया से चिकनी से बन गई है शिवलिंग। और अब मैंने लिया है माचिस की तीली। माचिस की तीली से मैंने इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया है, थोड़ा सा इसको और अट्रैक्ट करने के लिए, बढ़िया सा लुक देने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये देखिए मैंने तो अपनी शिवलिंग और अपने भोले बाबा को बना के रेडी कर लिया है, और साथ में मैंने बनाया है नंदी बाबा को भी। ये देखिए नंदी भी मैंने बनाया है, क्योंकि भोले बाबा तो बिना नंदी के अधूरे हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताइएगा कि ये पार्थिव शिवलिंग आपको कैसी लगी।